झांसी में लगातार कल रात से बारिश हो रही है और ताज कंपाउंड में इतना बुरा हाल है। अभी आपको नीचे चलकर दिखाते हैं। हाल बेहाल है, सुबह से परेशान है काम धंधे से। हम इस बार के पानी में देख आए, हमारा ठेला डूब गया है। यहाँ भी देखो, इस घर में देखो कितना कितना पानी है। यहाँ देख सकते हैं राम, हमारे राम अंकल पूरा आधा आधा पानी भरा हुआ घर में। पूरा जायजा दिखाएंगे आपको, लाइव अपडेट। गाड़ी खड़ी है ना, पूरी डूब चुकी है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे डैम हम खोल दिया। ये नाला ताज कंपाउंड का बहाव देखो कितना तेज है, एक दूसरे को पकड़ के जाने पड़ रहा लोगों को। यहाँ देखो, यहाँ पर 22 इंच पानी है, बिल्कुल सूत के सूत नाप के दिखा रहे हैं, समथिंग 2 फीट पानी समझ सकते हो। वेलकम बैक टू द चैनल दानिश के व्लॉग्स। उम्मीद होगी सभी अच्छे होंगे। भाई झांसी में लगातार कल रात से बारिश हो रही है और ताज कंपाउंड में इतना बुरा हाल है। अभी आपको नीचे चलकर दिखाते हैं कितना ताज कंपाउंड में पानी पानी भरा। ताज कंपाउंड ही नहीं, बहुत सी जगह पानी भरा है, शहर में आवाज विकास तरफ हर जगह पानी पानी पानी, क्योंकि कल रात से बारिश हो रही है। तो आपको नीचे चलकर दिखाते हैं कितना पानी भरा हुआ है और घरों में कितना पानी है, क्या क्या नुकसान है, कितनी गाड़ी वगैरह डूबी है, सारी चीज़ें चल के आपको नीचे से दिखाएंगे। पहले तो ऊपर से देख लो आप थोड़ा सा, यहीं से हम दिखाते हैं, थोड़ा रिस्क लेके आपको दिख रहा हो कितना पानी है, बट यहाँ समझ में नहीं आ रहा हूँ। नीचे लेके चलते हैं और घर की भी हालत दिखाते हैं कि हमारे घर के अंदर कितना पानी भरा है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं हम कितना कितना पानी सर हमारे घर के अंदर है। हमारे दादा भी डूब चुके हैं, सामान भर गया, सामान भर गया, पानी भर गया पानी। दादा हमारे दस्तरखान बचा रहे हैं। और ये देखो घर के अंदर कितना कितना पानी है, और बाहर देखो बाहर देख सकते हो गाइस, ये ताज कंपाउंड में कितने बड़े हाल है। और अभी आपको और बाहर लेके चलते हैं, गाड़ी वगैरह भी दिखाते हैं कितनी गाड़ी वगैरह डूबी है। यहाँ देख सकते हो कितना कितना पानी, 3-3 फीट पानी है बाहर। तो आइए बाहर भी लेके चलते हैं, पूरा लाइव अपडेट मिलेगा आपको दानिश के व्लॉग्स पे, ताज कंपाउंड का लाइव अपडेट देंगे हम। आइए और गाड़ी भी दिखाते हैं अपनी आपको। पानी के चक्कर में गेट इतना टाइट हो गया। अरे दादा बड़ी ताकत लगानी पड़ रही है। चलते हैं बाहर और ये देखिए गाड़ी ताज कंपाउंड का हाल जानेंगे लोगों से। बताइए क्या हाल है ताज कंपाउंड का, बताइए। हाल बेहाल है सर, ताज कंपाउंड के तो हाल बेहाल है, सुबह से परेशान है काम धंधे से, आज भी परेशान है। गरीब आदमी क्या करे, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। चलिए चलिए और लोगों से भी जानते हैं। अंकल क्या कहेंगे इस पानी के बारे में आप? हम इस बार के पानी में देख आए, हमारा ठेला डूब गया है, हमारा सब कुछ पानी से बह गया है। चलिए हम बहुत गरीब आदमी है, यहाँ पर सभी की सुनवाई करते हैं। यहाँ भैया है और यहाँ देखो कितना पानी है, वहाँ पर गाड़ी भी खड़ी है। जूम करते हैं, देखो कितनी डूब चुके हैं। यहाँ भी देखो, इस घर में देखो कितना कितना पानी है। यहाँ देख सकते हैं हमारे राम अंकल पूरा आधा आधा पानी भरा हुआ घर में। पूरा जायजा दिखाएंगे आपको, लाइव अपडेट देख लो। अरे छाता पकड़ो यार मस्ता, देख लो। और यहाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है, लोगों की शक्लें भी नहीं दिख रही होंगी। यहाँ हमारे चचा है, यहाँ देखो घर के अंदर कितना कितना पानी भरा हुआ है, पूरे परेशान है लोग। सुबह 8 बजे से देखो पूरे घर मर ऐसे हो रहे हैं जैसे स्विमिंग पूल वगैरह चालू हो गए हो, पूरे में पानी पानी, ना लाइट आ रही है, आदमी क्या ही करे, कितना परेशान हो रहा है आदमी। और हम चलते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा ही भीग गए हैं। देखो चड्डा कहाँ तक चढ़ा है मेरा, सब परेशान हो रहे हैं, कोई सावन बचा रहा है, कोई अपना घर बार बचा रहा है, कोई अपने बीवी बच्चे बचा रहे हैं। और यहाँ देखो भाई ये गाड़ी खड़ी है ना, पूरी डूब चुकी है, देखो कितना ज़्यादा पानी है, कम से कम 3 से 3.5 फीट पानी है यहाँ जहाँ हम लोग खड़े रहते हैं। और अगर रोड पे हम लोग निकल के जाएंगे ना, तो वहाँ कम से कम नहीं तो 4.5 से 5 फीट पानी है। कल रात से यहाँ पानी पानी भारी बारिश हो रही है, बट सुबह से ही यहाँ पूरे में पानी भरा हुआ है, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लाइट भी नहीं आ रही है, लोगों ने खाना पानी कुछ नहीं भरा है। और ये हमारे देखिए इंडियन ब्लॉगर ये इतने दूर से आए हैं, यहाँ लोगों की मदद करने के लिए आए थे कि किसी को ज़रूरत तो नहीं है आपके का पानी। और यहाँ भी दिखाते हैं, पूरा अपडेट देंगे हम अपने ताज कंपाउंड का। और यहाँ पर हमारी एक गाड़ी खड़ी हुई है, तो वो भी दिखाते हैं कितनी डूबी है कितनी बची है।
तो ये खड़ी है अपनी आई स्मार्ट, लगभग लगभग डूबने की कगार पर है। और यहाँ भी लेके चलते हैं आपको, और एक गाड़ी तो हम लोग अपनी एवेंजर को पहले खड़ा कर आए थे शोरूम पर, और क्या नाम है अपाचे को भी हम लोगों ने दोनों गाड़ियों को अलग अलग खड़ा कर दिया, क्योंकि हमें मालूम था यहाँ पानी भरने वाला है। आई स्मार्ट को और ऊपर चढ़ा देंगे। यहाँ भी देखो सब जुगाड़ में लगे हुए हैं। यहाँ पर पानी को ज़्यादा बढ़ चुका था, हमने गाड़ी को यहाँ बगल में आंटी घर पे खड़ा कर दिया। सारी गाड़ियाँ यहीं खड़ी है, तो हम लोग चलते हैं बाहर और अपडेट दिखाएंगे ताज कंपाउंड का। गेट लगा लेना तो कीड़े वीड़े आएंगे। यहाँ देखो हमारे वीरू भाई को कितने ज़्यादा डूबे हैं, और एक तो चप्पल वगैरह पहने ना पानी में चल रहे हैं, तो इतना प्रेशर लग रहा चलने में। बट आपका भाई आपको पूरा अपडेट दिखाएगा ताज कंपाउंड कैसे किस किस के घर डूबे हैं, कौन कौन बचा है डूबने लाए। चलो छाते में चलते हैं दिखाते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे डैम हम खोल दिया, सारा पानी यहीं से आ रहा है। देखो उस तरफ भी आ रहा है और इस तरफ भी आ रहा है, इस घर में भी जाने वाला है पानी, क्योंकि ये अच्छी ज़्यादा हाइट पर है। इस तरफ पानी कम है, सारा पानी लेकिन आ इसी तरफ से रहा है। आपको दिख रहा होगा पानी का बहाव इसी तरफ से आ रहा है। देखो चलने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। और ये देखिए देसी के डर रहे हैं, भीगे होती नहीं है, कहाँ चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। आराम से आना नल्ली उस्ताद, ऐसा होता है पीने के बाद। सभी लोग परेशान हैं, सुबह से सबका यही हाल है, लाइट वगैरह कुछ नहीं आ रही, सब परेशान है। और भाई यहाँ देखिए ये चीज़ की दुकान, यहाँ भी पानी भरने वाला है। चार टकाटक दे दो, पानी भरे तो भरे, एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए, रिपोर्टर को भी कुछ खाने पड़ता है। चार ये ले लिया हम लोगों ने खान पान का सामान, क्योंकि बोलने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए पड़ेगी। यहाँ देखिए यहाँ भरा है पानी, उस तरफ नहीं आएंगे हम। यहाँ देखो इस घर में भी पानी चला गया है, और ये नाले पे देखो कितना ज़्यादा पानी, कैसे परेशानी हो रही है लोगों को। और यहाँ अपने सब्सक्राइबर भी हैं, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा पानी है, बहाव भी तेज है। यहाँ हमारे मुस्तफ़ा भाई अपनी मम्मी को लेकर जा रहे हैं, हेल्प करा भी भाई उनकी, हेल्प करा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब्सक्राइबर अपने कहाँ चले घर। ये है नाला ताज कंपाउंड का, बहाव देखो कितना तेज है, एक दूसरे को पकड़ के जाना पड़ रहा लोगों को। पानी भरा क्या नहीं भरा, पानी भर गया तुम लोगों के, हटाओ जी अंदर जान दो पानी। तो ये अपने सब्सक्राइबर, और इस तरफ पानी कुछ ज़्यादा है, बहाव भी बहुत तेज है, ये पूरा पानी आ रहा है ये नाले से, और यहाँ से वो नगरा वगैरह का वर्कशॉप का ही पूरा पानी आता है। ये पूरा ताज कंपाउंड का नाला है, पूरे में लवा लब पानी, देखो वो ताज कंपाउंड और फन कितने कितने लोग डूबे हैं। चलिए चलते हैं घर की तरफ। भाई इतनी बार इसमें हम लोगों तक उनका सामान पहुंचा रहे हैं, सामान दिखाएं आपको, दिखाइए ये तम्बाकू पहुंचा रहे हैं, किसी ने मंगाई है तो हमने कहा रेस्क्यू वाले हम लोग तो हेल्प कर रहे हैं, बट आप लोग ये सब मत खाना, सेहत के लिए हानिकारक है। अरे 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 कुछ नहीं जिन्हें पकड़। और यहाँ से हम लोग चलते हैं जो मेन रोड है ना ताज कंपाउंड की, वो दिखाते हैं, पानी यहीं से आ रहा है तो हम लोग चल भी नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी। और हमारे अंकल लेकर आ रहे हैं पनीर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल लेके आ रहे हैं पनीर, बेहतरीन पनीर पकौड़े बनाएंगे, पानी भरे तो भरने दो, खाना पीना नहीं रुकना चाहिए। ये देखिए यही है मेन रोड ताज कंपाउंड वाला, वहाँ देखो हमारे मुस्तफ़ा भाई आ रहे हैं, कहाँ तक पानी है, जहाँ भी नज़र जाएगी पानी पानी, ये पूरा ऑटो डूबी हुई है। इस तरफ दिखाएंगे आपको, ये देखो ये कब्रस्तान वाला एरिया, हमारे भाई सब भी जा रहे हैं, सब परेशान है, दो लोग यहाँ पर चढ़े हैं, इस तरफ तो आदमी डूब जाएगा, इतना पानी है, पूरे में पानी ही पानी। देखो यार हेडपम्प डूब गया, हेडपम्प सब डूब गया यार, आधा ताज कंपाउंड डूबा पड़ा। और यहाँ हमारे भाई साहब बैठे हैं, पानी रोके तो वो भी घर जाए अपने, बाकी हम लोग अपने घर की तरफ चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या माहौल है। अंदर से बाहर पानी, वापस से हम लोग जा रहे हैं अपने एरिए में, क्योंकि जो भी पानी आ रहा है ना सारा कट के इसी तरफ को आ रहा है हम लोगों के एरिए में,
और नाला इतना छोटा हो चुका है इससे पानी इतना निकल नहीं पा रहा है, तभी इतना पानी भरा हुआ है। सभी लोग परेशान है, देखो सभी के घरों में पानी, चाहे किसी के घर ऊंचे हों या नीचे, सब जगह पानी 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 ही पानी। चलिए यहाँ तो यार, यहाँ तो हम लोग पूरा हिल रहे हैं, एंटरटेनमेंट नहीं रुकना चाहिए भाई, पानी बहुत पानी ज़्यादा हो गया। देखो गेट नहीं खुल रहा, खोल गेट, आयो भाई, जब टाइम आ चुका है फाइनली बोर्ड निकालने का। और ये देखिए हमारे घर की हालत दिखाते हैं आपको, कितनी बुरी हालत हो चुकी है। ये देखो जहाँ भी नजर जाए पानी पानी, ये देखो पानी 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 पानी, यहाँ देख लो भाई पूरा पानी पानी, मजे लीजिए देसी स्विमिंग पूल के। और ये कुर्सी ये भी तैरने लगी है, इसी पर बैठ कर हम टेढ़े मेढ़े का आनंद लेंगे, इस पर ही बैठ कर हम टेढ़े मेढ़े का आनंद लेंगे। क्या ही करें, अब पानी भरा है बस, परेशान हो रहे हैं लोग होने को, क्या कर सकते भाई, क्योंकि पानी का निकास जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। ये देखो भाई पानी के बहाव से कुर्सी कैसे कहाँ पर है, कोई आत्मा नहीं है इस पर, पानी के बहाव से बस वो उल्टी होने वाली है कुछ ही देर में। अभी तो हम बैठे थे तो वो सेट थी, बट अब उल्टी हो जाएगी थोड़ी देर में। बस वो पानी देख रहे हो कमरे में कितना कितना भरा हुआ है, यहाँ से देखो पहले तो पानी कितना कितना डूब रहा है, लोग देखो देख रहे हो बाहर कितना पानी है, ये ठेला वगैरह अंकल का पूरा डूब चुका है। तो यहाँ देखो अब चलते हैं सबसे ऊपर, वहाँ से भी दिखाएंगे पूरा नज़ारा। तो बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, देखो कितनी कितने बूंदें आ रही छाते पे, छाते को बिल्कुल कस के पकड़ना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग आपको दिखाते हैं, देखो वहाँ है मस्जिद, ताज कंपाउंड की मस्जिद अल-तायरा, देखो वहाँ कितना पानी है लबाला। और यहाँ से दिखाते हैं आपको नाला, देखो पूरा गाड़ियाँ डूब गई, गाड़ी तो दिख नहीं रही होगी आपको, पूरी गाड़ी डूब गई। और वहाँ देखो नाला बिल्कुल लबालब चल रहा है, पूरे में पानी 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 पानी, यहाँ देखो पूरे में पानी पानी, देखो। और गाइस हम लोगों का बाहर जाने का रीज़न ये था, पानी वगैरह तो बहुत गंदा है, क्योंकि जब आदमी का देखो घर डूबता ना तो गंदा पानी सब चीज़ें नहीं देखता, तो हम लोग बाहर वगैरह इसलिए गए थे बेसिकली कि जो कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जिनके बच्चे या लड़के काम पर गए तो उनको मदद वगैरह की जरूरत थी, तो हम लोग इसलिए बाहर निकले गए थे कि किसी को हेल्प वगैरह की जरूरत हो तो हेल्प वगैरह करा सकें। तो एक दो जगह हम लोगों ने कराई बट वो चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर नहीं की। और हम लोगों को तो मालूम है ताज कंपाउंड में बहुत साल बाद, कम से कम 4-5 साल से ज़्यादा अब पानी इतना घरों में भर रहा है 4-5 साल बाद, तो हम लोगों के यहाँ तो भाई पूरे नीचे के जो भी कमरे हैं खाली रहते हैं, तो हम लोगों को मालूम है कि कभी ना कभी ऐसा होता है बाई चांस 4-5 साल में एक बार पानी ताज कंपाउंड में आ ही जाता है। तो अभी हम लोग बस वही सारा फेरा करने गए थे, जिसको मदद की जरूरत थी उनकी हम लोग मदद कराए, और हम लोग घर आ चुके हैं, हाथ पर हम लोगों ने सारे धो लिए हैं क्योंकि गंदा पानी बहुत था। अब बाहर कहीं नहीं जाएंगे, अब हम लोग घर में ही रहेंगे क्योंकि लाइट्स वगैरह भी नहीं आ रही है, बाहर गंदे पानी में जाकर क्या ही करेंगे, जिसका जो करने था हेल्प वगैरह सब हो चुकी है, अब घर में ही रहेंगे। और देखते हैं, बस दुआ कर रहे हैं यही कि भाई बंद हो जाए पानी, क्योंकि भाई देखो जिसके 2 मंजिल हैं 3 मंजिल हैं उनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको जिनके 1-1 मंजिल हैं और बिल्कुल ज़मीन से लगे हुए मकान हैं, तो उनके जैसे हमने दिखाया था बगल वाले राम अंकल, उनके यहाँ तो लिटरली इतना इतना पानी भरा है, सुबह से परेशान है आदमी, कहाँ जाए ना कुछ खाया ना पिया, तो इसलिए पानी बंद हो जाए तो उसमें सभी का भला है। काफ़ी गिर चुका है, काफ़ी ठंडक हो चुकी है, बट ऊपर वाले से दुआ यही है कि जल्दी से जल्दी पानी बंद हो जाए। बट सीन यहाँ पर तो कुछ अलग ही है, देखो पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, लिटरली बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा, कल रात से पानी गिर रहा है, कल रात से। बस आप लोग भी दुआ करें कि जल्दी बंद हो जाए पानी, नहीं तो ऐसा ना हो पूरा ताज कंपाउंड डूब जाए। बाहर का यहाँ से तो पूरा गेट वगैरह बंद कर दिया है कि गंदगी कीड़े मकोड़े पटार मटार पता नहीं क्या क्या आ रहा पानी में। और यहाँ से वो कुर्सी टेढ़ी हो चुकी है, यहाँ का और नाप, यहाँ का भी देख सकते हो आप, यहाँ नापेंगे ये और नीचे और नीचे और जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पर 22 इंच पानी है, बिल्कुल सूत के सूत नाप के दिखा रहे हैं, समथिंग 2 फीट पानी समझ सकते हो। यहाँ पर देखो ये लकड़ी की अलमारी वगैरह थी सारी खराब हो चुकी हैं, देखो कितना पानी है पूरे में पानी ही पानी। तो ये हालत आज कंपाउंड का, टाइम देख लो अभी हो रहा है शाम के 5:10, कल रात से लगातार बारिश हो रही है। और ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही पर्पज था, हमने कहा आप लोगों को दिखाते हैं कि ताज कंपाउंड कितने बुरे हाल हैं, पानी अभी भी बंद नहीं हो रहा, बाहर देखो आप
बाहर यहाँ से हम दिखाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे, यहीं से देखो जाली से। बाहर देखो कितना पानी है बाहर, तो मेरे हिसाब से कम नहीं तो तीन फीट, तीन साढ़े तीन फीट पानी होगा। और अगर आप और आगे को हम जाएंगे जहाँ पहले गए थे तो वहाँ चार साढ़े चार फीट भी पानी होगा, क्योंकि हर जगह अलग अलग है, कहीं ऊंचाई पर बनी है जगह, कहीं नीचाई पर बनी है। तो सिर्फ वीडियो बनाने का यही पर्पज था, आपको दिखाना था कैसे ताज कंपाउंड में चार पाँच साल बाद लोग फिर से परेशान हुए हैं, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जलने के लिए, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। तो सिर्फ वीडियो बनाने का यही पर्पज था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें।